हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। इस हमले के बाद बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने 40 जवानों के परिवार वालों की मदद करने का फैसला लिया था। इस लिस्ट में अक्षय कुमार का भी नाम शामिल है। वहीं अब सुनने में आ रहा है कि शहीद जवान जीतराम गुर्जर की पत्नी सुंदरी देवी की अक्षय ने 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। शहीद के भाई विक्रम सिंह ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है। अक्षय कुमार का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा परिवार बहुत गरीब है, मेरे भाई इकलौते घर में कमाने वाले थे। अक्षय कुमार की तरफ से हमें बहुत बड़ी मदद मिली है। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। भाई के शहीद होने के बाद परिवार सिर्फ बदहाली में जीने के लिए मजबूर हो गया था, लेकिन अब इस आर्थिक मदद से हमारे परिवार को बहुत बड़ा सहारा मिल गया है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब अक्षय कुमार ने इस तरह किसी की मदद की हो। समय समय पर अक्षय कुमार हमेशा जवानों की मदद के लिए खड़े होते नजर आए हैं। खबरों की माने तो अक्षय ने भारत के वीर ऐप के जरिए शहीद जवान के परिवार की मदद की है। बता दें कि इस वेबसाइट की शुरुआत साल 2016 में हुई थी, लेकिन इसको आगे ले जाने की पहल अक्षय ने ही की थी। अक्षय कुमार ने खुद लोगों से भारत के वीर को सहयोग करने की अपील की थी, जिसके बाद कई लोगों ने आगे बढ़कर रुपए दान किए। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैम ऑनेस्टली ना, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग जब किसी भी तरह से किसी भी घिनौनी चीज़ को सुनती हूँ तो गुस्सा तो आता है, डर भी लगता है, चोट भी फील होती है। तो ये सारी भावनाएं बहुत ही नॉर्मल हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ऑब्वियस भी हैं। हम ह्यूमंस हैं, दीज आर ह्यूमन इमोशंस, तो फील तो होता ही है। मैम ऑनेस्टली ना, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग जब किसी भी तरह से किसी भी घिनौनी चीज़ को सुनती हूँ तो गुस्सा तो आता है, डर भी लगता है, चोट भी फील होती है। तो ये सारी भावनाएं बहुत ही नॉर्मल हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ऑब्वियस भी हैं। हम ह्यूमंस हैं, दीज आर ह्यूमन इमोशंस, तो फील तो होता ही है। किस तरीके से बदला लेना चाहिए ये आप चाहती है कि मैं सजेस्ट करूं? देखिए, ये सब ये जो बातें हैं ये बहुत ही, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। 42 जवान्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, अदर्स आर क्रिटिकली इंजर्ड। सो एसेंशियली देयर आर 42 फैमिलीज राइट नाउ हु आर इन मोर्निंग एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिलीज आर इन यू नो ग्रीफ बिकॉज द जवान्स आर क्रिटिकली इंजर्ड। इट्स अ सीवियर डेंट in our national security. So I don't think it should be taken so lightly as to kis tarah badla lena chahiye. Wo hai hamare, we have a defense department in place and it's a serious matter which needs to be addressed seriously, not while it's not a subject that we should dwell in to right now. Ji. Thanks. देखिए, जो भी पुलवामा में हुआ है वो दुखद है और इसकी जितने शब्दों में भी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए या अपना गुस्सा जाहिर किया जाए वो बहुत ही कम है। 40 लोग जो मारे गए हैं उनके परिवार वालों को मेरी तरफ से बहुत सारी श्रद्धांजलि जो उनके ऊपर गुजर रही होगी। हम में से कोई भी उसको
मतलब महसूस ही नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात है बाकी लोगों के गुस्से की, पूरे देश के गुस्से की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सरकार से ज़्यादा उस स्थिति में कोई नहीं है कि क्या निर्णय लिया जाए, इसलिए सरकार के ऊपर ये छोड़ दें और सरकार का जो भी निर्णय होगा उसमें हम सब लोगों की भागीदारी होगी, उसमें हम लोगों का साथ होगा। सर, पुलवामा में जो अटैक हुआ है, 40 सीआरपीएफ के जवान हमारे शहीद हुए हैं जी, पूरा देश गुस्से में है, हर कोई चाहता है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप एज एन एक्टर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे, एक नागरिक हैं देश का? मैं यही कहूँगा कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है और हम अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ तैनात हैं उनके साथ अगर ये हादसा हो रहा है तो हम सचमुच बहुत बड़े संकट में हैं और हमें सारे तरीकों से इस संघर्ष को कम करना होगा, मिटाना होगा। अब इसकी राय देने के लिए मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि हर तरह से बातचीत करके, संघर्ष करके हमें शांति का कोई मार्ग ढूंढना होगा। थैंक यू। क्या इसका क्या रिएक्शन होगा? बहुत दुख की बात है, तकलीफ होती है और हर देशवासी को तकलीफ पहुंची इस बात से। बस सब यही कहेंगे कि उनकी फैमिलीज को ऊपर वाला हिम्मत दे और जो लोग इस वक्त घायल है उनके लिए हम दुआ करते हैं कि वो जल्दी से अच्छे हो जाए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? या सारी फैमिलीज़ को सपोर्ट है और प्रेयर्स हैं सारी फैमिलीज़ को ताकि गॉड उनको स्ट्रेंथ दे और जो इंजर्ड हैं हम चाहेंगे कि उनकी रिकवरी जल्दी से हो। जी, अभी आप इंडस्ट्री में आई हैं, एक्ट फेस्ट भी स्टार्ट हो गया है सिंटा के तरफ, क्या कहेंगे, कितना आपके लिए बेनिफिशियल? बहुत खुशी है कि मैं इस सिंटा का हिस्सा हूँ, इस एसोसिएशन का हिस्सा हूँ। इतने सीनियर एक्टर्स हमारे बीच आए हैं आज एक्ट फेस्ट में, तो उनसे सुनकर, उनको देखकर बहुत अच्छा लगा है। तो डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से मेहनत करूँगी इस एसोसिएशन में, वट एवर दे नीड फ्रॉम मी आई विल डू, एंड आई एम हैप्पी दैट उन्होंने मुझे बुलाया फॉर दिस ओकेजन टुडे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। उसके लिए आप क्या कह सकते हैं? इट्स अ वेरी वेरी शॉकिंग थिंग दैट हैज हैपेंड एंड आई होप स्ट्रिक्ट एक्शन इज टेकन अगेंस्ट इट एंड वी जस्ट डोंट डू अवे विद जस्ट लाइटिंग कैंडल्स, वी डू मोर अबाउट इट। एक आम नागरिक के तौर पे मुझे इस बात का हमेशा दुख होता है कि इतने यंग जवान हमारे जो हैं वो अपने परिवारों को छोड़ के एक तो ऐसी ऐसी जगहों पे तैनात हैं जहाँ पर अपने देश की सुरक्षा उनके हाथ में है, उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं और हम बस झगड़ते रहते हैं अपने अपने बीच में। हम अपनी परिवार के बारे में सोचते हैं, हम सेल्फिश होते हैं, कहीं ये नहीं सोचते उनकी तरह कि हम देश के लिए काम करें। अगर हमारी भी सोच उनकी तरह होती तो कितना अच्छा हमारे देश के लिए होता, ये मैं हमेशा सोचती हूँ। और उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें और हम सबको सद्बुद्धि दे भगवान कि हम अच्छे नागरिक साबित हों और उनका जो बलिदान है वो मतलब खर्च ना हो, ऐसे ही ज़ाया ना हो। ये बहुत दुखद बात है और हर बार हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत स्टर्न एक्शन लेना चाहिए। मुझे लगता है सिर्फ टेबल पर बातचीत जो है, इससे आगे की बातचीत होनी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए बहुत बहुत ही बुरा दिन है आज का, मतलब इट्स अ सैड डे टुडे। कभी भी कोई अटैक जब होता है तो ऑफकोर्स वो दुखद ही होता है एंड नहीं होने चाहिए, ये कहकर हम बात को टाल नहीं सकते बिकॉज एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ बातें करने से कि हम करेंगे या होगा, बट आई थिंक इट्स टाइम व्हेन इंडिया शुड स्पीक अप। अटैक के बारे में कहना क्या है, बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, बहुत ही शॉकिंग है। एक और चीज़ ये है कि अभी बहुत ज़्यादा इस पर सिर्फ बातें 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 बहुत हो गई है एंड आई थिंक क्योंकि पहले भी ये सुनने में आया था कि हम ये ख़त्म कर देंगे, हम यहाँ पर बॉर्डर हम लगा देंगे, वहाँ से हम आने नहीं देंगे, डीमोनेटाइजेशन के बाद टेररिज्म ख़त्म हो गया है, या पहले की सरकार जब थी तो पाकिस्तान को लव लेटर्स लिखना बंद कर देना चाहिए, सीधा अटैक करना चाहिए, इस किस्म की बातें पहले हुई है। लेकिन फिर मैं देख रहा हूँ कि वापस हम वहीं के वहीं आ जा रहे हैं, फिर वही बातें हो रही है, फिर वही, फिर दोस्ती की बात होती है फिर अटैक हो जाता है, फिर दोस्ती की बात होती है फिर अटैक हो जाता है। तो इसका एक सोल्यूशन निकलना चाहिए और ये टेररिज्म और ये मार धाड़, ये किलिंग, ये सब ख़त्म होनी चाहिए।
देखिए भाई, पहले भाई देखिए पहले तो यही बात हुई थी जब ये सरकार आई थी, इसके पहले तो यही बात हुई थी कि इंडिया को लव लेटर्स लिखना बंद करना चाहिए, हमको अटैक करना चाहिए, डीमोनेटाइजेशन के बाद टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अभी अगेन बैक टू, लगता है हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, फिर वापस वी आर बैक टू स्क्वायर वन। बार बार ऐसे ही होता है, दोस्ती की बात करते हैं फिर कोई अटैक आ जाता है, फिर दोस्ती की बात करते हैं फिर अटैक आ जाता है। तो इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, इसका सोल्यूशन ऑफकोर्स कोई भी सोल्यूशन, चाहे अटैक चाहे नेगोशिएशन चाहे जो भी है, ये टेररिज्म, ये किलिंग, ये ख़त्म होनी चाहिए।